गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मगर मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाना चाहती हूँ ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम किया था, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो क्या होता है, हमारी मेन बॉडी से हमने ये स्टडी किया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल मतलब बॉडी के मेन एक्सिस पे होता है, ठीक है। और ये क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो सेंट्रल जो CNS है, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। देखिए ये एक सैजिटल सेक्शन, जो एक मीडियन सेक्शन है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। अब हमने स्टडी किया था कि जो ब्रेन होता है, ठीक है, वो 3 मेन रीजन्स में डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। ब्रेन इज डिफरेंशिएटेड इंटू 3 रीजन्स, ठीक है, 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे फोर ब्रेन कहते हैं, फोर ब्रेन। सेकेंड इज द मिड ब्रेन, राइट, एंड थर्ड इज द हाइंड ब्रेन, राइट। थर्ड क्या होता है, हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए जो फोर ब्रेन होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेरेब्रम एंड द डाइसेफलॉन, ठीक है। अब जो सेरेब्रम है वो कहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट फोर ब्रेन में क्या कंसिस्ट करता है, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेरेब्रम एंड द डाइसेफलॉन, इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी लॉब्स, ठीक है, सेरेब्रम एंड डाइसेफलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ आई, ठीक है, जितने भी आई की मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स एंड जो भी हमारे हियरिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं, एंड हियरिंग रिस्पॉन्सेज, राइट। और जो हाइंड ब्रेन होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट करता है मूवमेंट्स, जो हमारे इक्विलिब्रियम और जो पोस्चर होता है, कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, एंड पोस्चर, राइट, ठीक है। तो देखिए ये जो ये पोर्शन होता है ये हमारा थैलेमस होता है, ठीक है, ये ब्रेन का पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है, सेरेबेलम है, जो क्या कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स और द पोस्चर, ठीक है। ये जो पोर्शन है देखिए, ये दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, राइट, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस पोर्शन इज पोन, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है, जो आई और हियरिंग रिस्पॉन्सेज, जो हम हमारी मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। दिस पोर्शन, ये एक ट्यूब लाइक पोर्शन है, बल्ब लाइक पोर्शन है, ये क्या है, दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, राइट। यहां एक पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्फुंडिबुलम,
ठीक है, और यहाँ एक आर्क लाइक पोर्शन है जो होती है ऑप्टिक काइस्मा, ओके, एंड दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है. दिस रीजन इज द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, और ये है, दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्लियर, ठीक है. तो ये ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है, जो एक मीडियम सेक्शन है ह्यूमन ब्रेन का और उसके डिफरेंट पार्ट्स का. सो नाउ दिस कंप्लीट योर सेवन चैप्टर जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन.